अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यूट्यूब फैमिली। आज हम बना रहे हैं बकरे का गोश्त। तो मैंने लहसुन अदरक पेस्ट, पानी और प्याज डाल के बॉयल होने रख दिया था प्रेशर में। छोटा गोश्त है, जल्दी गल जाता है। 15 मिनट प्रेशर बंद करना है। सीटी बोलती है ना जब प्रेशर की, तो 15 मिनट जब बोलेगी ना तो प्रेशर को के उसमें से जो बकरे का गोश्त होता है ना बोटियाँ, वो अलग कर लेनी है और प्याज प्रेशर में ही छोड़ देने। पानी सारा मैंने छानी में छान लिया था। ये प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट है, साथ गोश्त भी गल गया और प्याज भी गल गए। अब इसमें मैं डालूंगी एक लकड़ी का चम्मच भर के घी का। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करके मिक्स करके फिर इसमें डालेंगे मिर्च मसाले। तो आधा किलो लिया था मैंने बकरे का गोश्त, इसको धो के अच्छी तरह 2 गिलास पानी का डाल के बॉयल कर लिया था, साथ में प्याज लहसुन अदरक पेस्ट और साबुत गरम मसाला, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा, यह सारा कुछ साथ डाल के बॉयल कर लिया था। उसके बाद पानी अलग कर लिया, गोश्त अलग कर लिया और प्याज जो थे वो पेस्ट बन गया। अब वो पेस्ट में घी डाला है मैंने। घी डाल के अब 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच रेड मिर्च पाउडर डालना है और 1/2 खाने का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालना है। और 1/2 टीस्पून इसमें डालना गरम मसाला पाउडर, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब हांडी तैयार हो जाती है ना तब भी डालें, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और थोड़ा मैं मसाला भूने के साथ डाल देती हूँ तो उससे भी गरम मसाले पाउडर डालने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है हांडी में। और 1 टीस्पून इसमें डाला है मैंने सूखा धनिया पाउडर। ये डाल के मसाला अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मिर्चें अच्छी तरह ना भून जाएँ। यखनी जो मैंने अलग की थी ना गोश्त की प्याज की, तो कई लोग मसाला भूनते हुए पानी डालते हैं, तो मैंने यखनी डाली है क्योंकि पानी साथ साथ थोड़ा थोड़ा डालते रहना चाहिए मसाला भूनते हुए ताकि नीचे ना लगे। ये 2 मिनट हो गए हैं मसाला भूनते हुए और इसमें 1 बाउल भर के इसमें दही ऐड कर देनी है। दही इसमें डालनी है, फ्रेश नहीं डालनी ताकि वो सालन मीठा बन जाता है। दही इसमें 1-2 दिन पुरानी जो खट्टी थोड़ी सी खट्टी खट्टी होती है ना वो डालनी। दही मिक्स करके इसमें ये जो गोश्त बॉयल कर लिया था ना मैंने बकरे का, 1/2 किलो हड्डियाँ समेत, हड्डी वाला गोश्त है ये, वो दही डाल के मिक्स करके फ़ौरन ही साथ ये गोश्त डाल देना है। गोश्त डाल के इसको अच्छी तरह भूनना है 6 से 7 मिनट तकरीबन। जितना गोश्त ज़्यादा भूनेंगे उतना हांडी का ज़ायका अच्छा आएगा और गोश्त का टेस्ट अच्छा आएगा, और जो बॉयल किया था थोड़ी सी कसर रह गई थी गलने में वो भी साथ गल जाएगा। इसमें हमने कोई यखनी कोई पानी नहीं डालना, इसको इसी मसाले में भूनना है 6 से 7 मिनट। ये 6 से 7 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, ये देखें ये अच्छे से भून गया। मसाला भून के जब घी या ऑयल डालें ना अलग हो जाना तो समझे आपका मसाला भून चुका है। अब ये घर की ताज़ा फ्रेश मलाई मैंने डाली है जो घर में दूध के ऊपर से उतर दी है, ताज़ी मलाई, फ्रेश मलाई डालनी है घर के दूध में जो आती है ना, दूध बॉयल करते हैं ताज़ी फ्रेश, वो 1/2 प्याली इसमें मैंने मलाई की डाली है। मलाई डालने के 2 से 3 मिनट, मलाई डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट और भूनना है। ये देखें बिल्कुल हल्की आंच पे इसको भूनना है क्योंकि गोश्त गला हुआ है, बस ये इसको भूनना है हमने। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया, दही भी भुन गई है, मलाई भी भुन गई है, मलाई से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टमाटर बहुत महंगे हैं आजकल, टमाटर नहीं है दही है, दही डालें अगर टमाटर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो टमाटर डालें। अब ये हमारी मसाला भुन चुका है, गोश्त अच्छे से भुन चुका है, तो समझे ये मटन कढ़ाई तैयार है हमारी घर की। 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर डाला है इसमें, मेरे पास आज धनिया नहीं थी धनिया नहीं डाली। इसके ऊपर हम डालेंगे अदरक स्लाइस कट करके, 7 लीमू। तो ये देखें बहुत ही मज़े का लजीज ये मटन कढ़ाई तैयार है मिनटों में, क्योंकि गोश्त गलाने की वीडियो मैंने ऐड नहीं की, वो मैंने अच्छे से आपको बता दिया है कि गोश्त मैंने प्रेशर में गलाया है। जब सीटी बोलती है ना प्रेशर की, तो उसके 15 मिनट बस सीटी बोले तो आप बंद कर दें चूल्हा और ढक्कन उतार दें। तो ये हमारा मटन कढ़ाई तैयार है। दुआ में याद रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
ये देखें कितना अच्छा और मज़े का, बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बाज़ार वाले अच्छा ही होते हैं। हम बाहर जाते हैं खाते हैं, अल्लाह ताला उनके भी खानों में बरकत है। तो जो घर का साफ़ सुथरा खुद अपने हाथों से पका हुआ, उसका ज़ायका, उसका और ही बात होती है, तसली भी होती है कि घर में खुद बनाया। तो आप भी बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा बनाया।